कुछ नहीं मिला है आपको इस सरकार से, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें। और मुझे ताज्जुब होता है कि बड़े 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 से बड़े प्रधानमंत्री भी यहां आते हैं, वही पुरानी बातें कह रहे हैं जो 10 साल पहले कही। आज वादे कर रहे हैं कि वो ये करेंगे, वो करेंगे, MSP करेंगे, रोजगार दिलवाएंगे। अरे 10 सालों में क्यों नहीं किया? 10 सालों में किसानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई? नौजवानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई? जवानों की, पहलवानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई? महिलाओं की सुनवाई क्यों नहीं की, जो महंगाई के सामने तड़प रहे हैं, जूझ रहे हैं महंगाई से, एक छोटी सी चीज खरीद नहीं पाते। त्योहार आते हैं, घबराहट होती है। घर में कोई बीमार पड़ता है, घबराहट होती है। फीस भरनी पड़ती है, घबराहट होती है। और ये लोग वही घिसी पिटी बातें जो 10 सालों पहले इन्होंने आपसे की थी, वही बार बार दोहराते रहते हैं। कोई नई स्कीम इन्होंने निकाली आपके लिए? एक स्कीम निकाली, ये जो परिवार वाला आईडी कार्ड है, ये है इनकी नई स्कीम। परिवार पहचान पत्र कहते हैं, ये परिवार परेशान पत्र बन गया है। इसके लिए भी आपको परेशानियां ही झेलनी पड़ रही हैं। इसके अलावा कुछ नया नहीं लाए हैं आपको मजबूत करने के लिए, आपके भविष्य को उज्जवल करने के लिए, आपको सम्मान देने के लिए कुछ नहीं लाए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।